कि मेरा नाम है जीआर अख्तर, अख्तर नाम से मैं फेमस हूँ आर्ट लाइन में। जैसे कह रहे आर्टिस्टों का अलग अलग नाम होते हैं ना, जैसे दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान है तो उन्होंने दिलीप कुमार रखा हुआ है, तो उस ज़माने में यही क्रेज़ था, उसी क्रेज़ के अकॉर्डिंग मैंने अपना नाम अख्तर रखा। अख्तर का मीन चमकदार सितारा। हम यहीं आए, यहीं पैदा हुए, यहीं स्कूल पढ़ा और फिर यहाँ आके बैठ गए। मुगले आजम में हमारे जो यहाँ आते थे जो लोग, उनसे के आसिफ साहब से बड़े ताल्लुकात थे। जो मेरे उस्ताद थे वो इंडस्ट्री के बहुत वेल नोन थे, तो सारे पाकीज़ा, मुगले आजम, नगमा और महबूब साहब के, कमाल अमरी साहब के, कारदार साहब के ख़ास आर्टिस्ट थे वो, और वो उनका वर्क बहुत फेमस था, तो उनके ज़रिए मैं भी ज़रा एंट्री किया। तो पहले जो कपड़ा आता था मार्किन कपड़ा, वो लेने का, फिर उसको फ्रेमिंग करने का, उसके बाद उसको तेल पिलाने का, उसके बाद वन कोट, सेकंड कोट, सब अलग अलग आदमी करते हैं। यानी एक बैनर के अंदर कम से कम 10 आदमी लगते हैं। एक करता है स्केच, आपको स्टिल दे देते थे तो आउटलाइन स्केच कर दिया, उसके बाद सेकंड वन आएगा वो फिलअप करेगा, थर्ड वन बैकग्राउंड बनाएगा, फोर्थ वन फाइनल फिनिशिंग करेगा और फिफ्थ वन लेटरिंग करेगा पिक्चर का नाम ये वो जो भी है। तो इस तरह से टीम वर्क होता था, यानी वन मैन शो नहीं था। उस ज़माने में बहुत डिमांड था, अच्छा पिक्चर रिलीज़ होनी है कल और थिएटर पे लगनी है, तो उसके बैनर जो रात की रात बना बना के गीले गीले लगा दिए जाते थे। जब बैनर बनते थे तो आर्टिस्ट खुद आके देखते थे कि मेरा पिक्चर किस तरह है, किसके पीछे, किसके आगे, ऐसा भी होता था। उस दिलीप साहब का उस ज़माने बहुत टॉप थे, आज भी वो टॉप ही है, दिलीप साहब और राज कपूर। इवन राज कपूर, हाँ राज कपूर वेरी सेंटिमेंटल, उनका लोग नहीं समझते, बहुत आर्टिस्ट आदमी। और हम लोग जो हजाम जिस बार्बर के पास बाल कटाते थे उसको बोलते यार दिलीप साहब जैसे बाल काटना या राजेंद्र कुमार जैसे बाल काटना, ये दोनों के बाल बहुत फेमस थे। राज कपूर के बाल, राज खन्ना स्टाइल बहुत चला पीछे, बाल बड़े बड़े, वो भी मेरा जवानी का पोज दिखाता हूँ, वो भी ले लीजिए। विनय मोहन, पहले तो मुझे हीरो बनने का शौक था, तो मैं उनको बोलता था तो कुछ लोगों ने झांसे भी दिए क्या वो फला फिल्म में काम देंगे, फेमस स्टूडियो था वहाँ, तो हम जाते थे लक्के खा के आ जाते थे। फुर्सत के अंदर मेरे पास वो मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर पिक्चर्स हैं, तो मैं अमर और बाबुल ये दो पिक्चरें बहुत ज़्यादा देखता हूँ। लगन मोरे मन की बलम नहीं जाने, तो मेरी वाइफ का पसंद का गाना था, वो भी मैं सुनता हूँ। तो मेरी साल तीन साल पहले उनका डेथ हुई है, तो वो भी मैं सुनता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सेंटीमेंट्स है वो। और क्या है, 50 साल का साथ था हमारा, तो वो एक एक बातें याद आती है। मैंने पहले पीछे देखी रतन, 5 आने की टिकट मिलती थी, और उसमें जब वो पिक्चर छूट जावे ना तो गेट के ऊपर खड़े हैं, अब वो जो गेट खोलने वाला इतनी जोर से गेट खोलता था कि लोग जाके सीट पकड़ना है तो गिर भी जाते थे। अरे बड़े मज़े के दिन थे, मगर बड़ा मज़ा आता था वो पुरानी पिक्चरों में देखने में, बड़ा अच्छा लगता। आज की पिक्चर नहीं देखते, मॉडर्निज्म ज़्यादा चल रहा है, सेंटीमेंट्स बहुत कम है पिक्चर में। अब दूसरी बात क्या है, डायलॉग डिलीवरी भी परफेक्ट नहीं है, सीन को सीन सीन बोलते हैं और फांसी को फांसी बोलते हैं, अच्छा वो एनीवे को एनीवेज बोलते हैं, हालात को हालातों बोलते हैं, जज्बात को जज्बातों बोलते हैं, ये सब रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है ये सब। जो बेचारे पोस्टर आर्टिस्ट है वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, मैं तो ये लाइन पिकअप कर ली थी, कमर्शियल आर्ट पिकअप कर लिया था, तो मैं अभी आज रोजी रोटी मिल रही है मुझे, और वो जो बेचारे हमारी लाइन के जो लोग थे वो सब भूखे मर रहे हैं।